चंडीगढ़ से, जहां पर आज विधायक पद की शपथ अभय चौटाला लेने वाले हैं। बड़ी और अहम खबर, दोपहर 12 बजे विधानसभा सचिवालय में वो शपथ लेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा के इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ, किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया था और एक बार फिर से पांचवी बार विधायक बनकर लौटे हैं अभय चौटाला, और आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उनको शपथ दिलाएंगे। विधायकी की शपथ आज विधायक अभय चौटाला लेने जा रहे हैं। लगातार पांचवी बार वो विधायक बने हैं चंडीगढ़ से, ये बड़ी और अहम खबर। यहाँ पर कुछ ही समय में वो पहुंचने वाले हैं और दोपहर 12 बजे विधानसभा सचिवालय चंडीगढ़ पहुंचे। बाद के विधायक अभय सिंह चौटाला, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उनको आज विधायकी की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि लगातार पांचवी बार वो विधायक बने हैं। किसानों के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था, किसान आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में, और किसानों ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया और अब उनको पांचवी बार विधानसभा क्षेत्र भेजा है। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित जो विधायक हैं अभय चौटाला, वो आज शपथ लेने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उनको शपथ दिलाएंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी मौजूद हैं। राकेश जी, जिस तरीके से अभय चौटाला आज शपथ लेने वाले हैं, ये काफी अहम बात है क्योंकि लगातार पांचवी बार वो इलाहाबाद से विधायक बने हैं और अब नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर वो एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे आप जानते हैं कि जो चुनाव हुए हैं और उसमें अभय सिंह जो है जीतकर सामने आए हैं, और इससे पहले भी उनके विधायक थे। आप जानते हैं कि किसानों की मांगों के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अपने चैम्बर में 12 बजे जो है शपथ दिलाएंगे। और जैसा आपने बताया कि पांचवी दफा अभय चौटाला जीत कर आए हैं और ये भी सर्वविदित है कि चौटाला परिवार का जो है शुरू से अधिकार रहा है, अभी भी तब इस सीट से आए हैं। लगातार पांचवी बार वो विधायक बने हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है राकेश जी कि देखिए अभी जो लोकसभा के चुनाव है, तमाम पार्टियां जो हैं वो आगामी विधानसभा चुनावों पर कम ध्यान दे रही है, लेकिन ज्यादा तैयारी लोकसभा चुनावों की है। लेकिन अभी जिस तरीके से एक सीट है, अगर इसको क्षेत्रीय देखें तो ये क्षेत्रीय सीट पर इतना दबदबा नहीं है कि एक क्षेत्रीय सीट दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन किसानों के समर्थन में किसानों ने यहाँ पर बीजेपी को पूरे तरीके से झटका दिया है। क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव, उसमें क्या बीजेपी इस एक सीट की वजह से कमजोर हो पाएगी? देखिए, इस सीट को लेकर जो है तर्क सामने आ रहे हैं। भाजपा का ये कहना है कि जो पिछली बार उन्हें वोट पड़ी थी उससे बहुत ज्यादा वोट इस इलाहाबाद चुनाव में उपचुनाव में हासिल हुई है। हालांकि अभय का जो वोट मार्जिन है वो गिरा है, लेकिन जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले चुनाव की तुलना में इस उपचुनाव में जो है 8 से 10 हजार वोट उन्हें ज्यादा पड़े हैं। रही बात अन्य प्रदेशों में अगर देखें तो वहां पर बीजेपी को या बीजेपी रूल स्टेट में जितने भी इलेक्शन हुए वहां पर हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता की बात है। और आप आलोचकों की अगर बात सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो यही कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं, खाद्य पदार्थों के जो दाम हैं, उनकी गिरने की वजह इन चुनावों के नतीजे ही हैं। कहीं ना कहीं देखें, राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, आने वाले लोकसभा चुनाव हैं और उसके साथ साथ अभी सिर पर जो है विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, जिनमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड शामिल है और उसके बाद हिमाचल में उपचुनाव चुनाव होने हैं। तो हर चीज की राजनीतिक गणना जो है वो की जाती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि भाजपा इस समय केंद्र में सत्ता में है और कई राज्यों में इस समय सत्ता संभाल रही है। जी ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है।
एएनबी न्यूज़, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।